एक और नई सुबह, एक और नया दिन। कैसे हैं आप लोग? तो भाई फाइनली आज हम आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जामा मस्जिद पे असलम के टिक्के के। हाँ, यानी बहुत फेमस है, नाम सुना है मैंने उसका, अभी तक गया मैं भी नहीं हूँ, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अभी हम लोग मेरठ से निकल चुके हैं और आसपास की लोकेशन में दिखाता हूँ आपको कहाँ पर अभी हम हैं। और मुझे आज कंपनी कौन दे रहा है, मीट मिस्टर आसिफ, तो आज ये हमारे साथ हैं और हमारी बाइक ये रही। ओके, तो अपनी बाइक से निकल पड़े हैं आज हम लोग, तो जाके देखते हैं कैसा माहौल वहाँ का है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पर आते हैं, और वाकई टिक्का उनका अच्छा है, कैसा उसका टेस्ट है, सारी बात करेंगे आपके साथ आज के छोटे से ब्लॉग के अंदर। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का शुरू। सेकेंड स्टॉप लेने के लिए रुके हैं, हालांकि दिल्ली में एंट्री हो चुकी है एनसीआर में। एक बार थोड़ा लोकेशन आपको आसपास की दिखा देते हैं। ओके, हार्डली असर या मगरिब तक हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है भाई, चलते हैं अब आगे की मंजिल की तरफ। और गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको मेरे फेस से मालूम भी हो रहा होगा। और एक बात और बताऊँ, मैं पानी वगैरह कुछ नहीं पी सकता क्योंकि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और हमारा रोज़ा है, तो यहाँ तक कि अफ्तियार भी सब कुछ हम लोग करने वाले हैं जामा मस्जिद पे, और शुरुआत करेंगे असलम भाई के टिक्के से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रैंक अभी हमारे साथ हो गया है। लक्ष्मी नगर में एक भाई से मिलना था, उसके बाद हम लोग को जाना था जामा मस्जिद, लेकिन वो वाला भाई आया नहीं है। तो धूप बहुत तेज है, इतने हम लोग आए हैं। यहाँ पे एक मॉल है, V3S स्क्वायर ऐसा कुछ नेम है इसका, दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। और थोड़ा सा इस मॉल के अंदर बैठेंगे जब तक धूप कम नहीं होती है, उसके बाद निकलेंगे जामा मस्जिद के लिए। आउटर एरिया में थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि जामा मस्जिद जाएंगे तो बहुत गर्मी है। और जिस भाई से मिलना है उसने अभी फोन भी रिसीव नहीं किया है हमारा, तो सडनली प्रोग्राम बन गया इस वाले मॉल में हम लोग आते हैं। तो थोड़ा मॉल भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम दिखाएंगे आपको जामा मस्जिद का भी। चलते हैं मॉल के अंदर, अभी दिखाते हैं कि अंदर से मॉल कैसा। बहुत बड़ा मॉल में आते हैं, यहाँ बहुत बड़ी मुझे पार्शियलिटी लगी है। पार्शियलिटी क्या है, ये जो गर्ल्स का वॉशरूम है वो तो मॉल के अंदर है, और जो बॉयज का वॉशरूम है वो मॉल के बाहर है। यानी इतनी गर्मी के अंदर हम लोग वॉशरूम आएंगे तो पहले मॉल से बाहर आना होगा, उसके बाद वॉशरूम यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हरकत कैसी है। तो खैर अभी मैं बता दूँ, हम लोग अभी थोड़ा यहीं रुकेंगे और जब यहाँ से निकलेंगे जामा मस्जिद के लिए मैं बता दूँगा आप लोग को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और अभी टाइम भी लगभग 4 बज रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहीं बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे कि जामा मस्जिद, और हमारा डेस्टिनेशन तो वही है असलम भाई का टिक्का, तो वही खाएंगे और वही बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके,
और देखें एक रोजदार के सामने आसिफ भाई कैसे बर्गर इंजॉय कर रहे हैं और इस पैट भी बर्गर सिंह को टेस्ट कर रहे हैं। आपको कैसा लगा इसका टेस्ट आसिफ भाई? इट इज़ वेरी गुड, क्रिस्पी बर्गर है इन लोगों का और बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार बर्गर सिंह का बर्गर लिया है, इट्स वेरी गुड। देखिए बर्गर कितना अच्छा लग रहा है और ये सोचे मेरे सामने खा रहे हैं। और हालांकि अभी मगरिब में मैं दिखाता हूँ आपको टाइम कितना है। लगभग अभी यहाँ देख सकते हैं आप टाइम हो रहा है 4:45 के आसपास हो रहे हैं, तो लगभग 2 घंटे के आसपास मान सकते हैं। उसके बाद हम भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा बैठे हैं यहाँ पर, टाइम पास कर रहे हैं। धूप तो कम हुई नहीं है और लेकिन अभी 6 बज चुके हैं और हम लोग को निकलना भी है जामा मस्जिद के लिए, तो यहाँ मॉल से अब निकलते हैं। ओके, उसके बाद पहुँचते हैं जामा मस्जिद। अभी आसिफ भाई बाइक निकालने गए हैं, दिखाते हैं हम आपको और कितना क्राउड है यहाँ पे, वो भी आप देख लें एक बार। बाइक तो हम लोग की ये खड़ी है लेकिन शायद जो इन्होंने स्लिप हम लोग को दी थी वो नहीं मिल रही है। अभी देख रहे हैं आसिफ भाई की स्लिप कहाँ रख दी और शायद स्लिप मिल चुकी है। चलें, शुक्र है। तो भाई जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। अभी दिखाता हूँ आपको, अभी हम लोग बाहर हैं, अभी सीधा जा रहे हैं पार्किंग में, वहाँ बाइक पार्क करेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लोर कराएंगे जामा मस्जिद के बाहर का एरिया और भी बहुत कुछ। मैं आ गए हैं, बाइक भी पार्क कर दी है। मुझे तो एक्चुअल में आज ज़्यादा क्राउड लग रहा है और दिनों से, दिखाते हैं अभी आपको। पूरी पार्किंग फुल है यहाँ की, आज कंडीशंस देख सकते हैं आज यहाँ की पार्किंग की, फुली पैक्ड एग्जैक्टली। अभी हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ, फाइनली पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद पर और दिखाते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। कर लिया है, नमाज की तैयारी हो चुकी है, हार्डली 10 मिनट बचे हैं अभी नमाज में, तो इफ्तार करेंगे उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कहाँ जाना है वो आपको पता है तो वहाँ आपको लेकर जाएंगे। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है जामा मस्जिद के बाहर। أشهد أن محمد رسول الله يوم الفلاح
फाइनली असलम भाई टिक्कर के यहाँ आके बैठ चुके हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। थर्ड फ्लोर पर बैठे हुए हैं, वहाँ भी हाउसफुल है। आधे घंटे की वेटिंग है। एक बार रिव्यू दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ का आपको और बाकी फिर ऑर्डर करते हैं और टेस्ट कैसा है वो भी आपको बताएंगे और आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सारी बातें करेंगे आपके साथ। तो भाई फाइनली सीट मिल चुकी है और बहुत क्राउड है यहाँ पर। बाकी ऑर्डर भी कर दिया है और ऑर्डर में क्या करा है वो बताएंगे आपको अभी, लेकिन देख सकते हैं। तो भाई फाइनली ऑर्डर आ चुका है और टिक्का टेस्ट कर रहे हैं। बाकी टेस्ट इसका मेरे हिसाब से सही है, इतना खास नहीं लगा कि जो लोग बोल रहे थे कि इतना अच्छा टिक्का है कि नहीं खाया तो पछताओगे। और भी मेरे साथ कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा और वो लोग कहाँ से आए हुए हैं। कुछ भाई मुझे आज कंपनी दे रहे हैं, तो हमारे भाई क्या नाम आपका? गुलाम भाई। हमारे गुलाम भाई मुरादाबाद से, आप बताएं टेस्ट कैसा लगा आपको? भाई हम लगातार 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, मतलब कोई इतना खास नहीं है, बस एवरेज है। मतलब आ सकते हो तो खा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जैसा कोई पब्लिक बोल दिया उसने भाई टिक्का नहीं खाया जाओ मजा, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, मतलब कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, बस सही है। तो भाई ने भी कहा ऑन एन एवरेज है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जामा मस्जिद आते हैं तो एक बार ज़रूर खा के आप भी टेस्ट करेंगे टिक्का कैसा है। ओके टिक्का खा के आ गए हैं असलम भाई का और अभी जहाँ मस्जिद की पार्किंग में है बाइक निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए वहाँ बता नहीं पाया आप लोग को। और टिक्का कैसा था लिटरली बताऊँ तो ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन अगर आप लोग डेली आते हैं तो खा के ज़रूर जाएं, लेकिन स्पेशली टिक्के के लिए ना आए। ओके और भाई बाइक लेके आ रहे हैं, उसके बाद चलते हैं मेरठ की तरफ जहाँ से हम लोग टिक्का खाने के लिए स्पेशली आए थे। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बात करते हैं आप लोग से अगली वीडियो के अंदर। Till then, goodbye. Take care.